रुख करेंगे झज्जर का, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। चुनावी समर में सीधे ले चलते हैं आपको। ने उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल पांच लोग बनेंगे। बोले मुझे बताओ झज्जर वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है क्या? ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनाने निकले हैं, इस संगीत कुर्सी खेलने निकले हैं। मैं उनको पूछता हूं, ये पांच साल के प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कौन देगा, मुझे बताओ? कोरोना जैसा महामारी आया, कौन बचा सकता है? चंद्रयान कौन भेज सकता है? भाइयों बहनों, पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, जवाब फिक्स है, मोदी 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 मोदी। झज्जर वालों मुझे बताओ, ये हमारा जो हरियाणा है इसमें तीन विशेषताएं हैं। एक, हरियाणा में फौजियों, हमारे बेटों ने, हमारी वीरांगनाओं ने अपने बेटों को फौज में भर कर रखा है। आज पूरा देश चैन की नींद सो रहा है, क्योंकि मेरा हरियाणा का जवान सीमा पर पाकिस्तान का सामना कर रहा है। दूसरा, खेल कहां पर भी खेला जाए, नेशनल खेला जाए, इंटरनेशनल खेला जाए, देश को अगर मेडल मिलता है तो हर तीसरा मेडल लाने वाला मेरा हरियाणा का धाकड़ होता है, धाकड़ होता है। और तीसरा, देश आज अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, तो इसका कारण हरियाणा का मेरा किसान है, किसान है। भाइयों बहनों, ये तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस ने क्या किया? बोफोर्स का घोटाला किया, सबमरीन का घोटाला किया, एयरफोर्स का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, और वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। मोदी जी ने 14 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही वन रैंक वन पेंशन देकर हमारे सेना के जवानों को 1,20,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने खेल का बजट 3 गुना किया, स्टेडियम बनाए, इंटरनेशनल कोचिज लाए, मानदंड खिलाड़ियों का बढ़ाया, पारदर्शी सिलेक्शन किया, और इसके कारण आज हम खेलों में दुनिया में छाए हुए हैं। और याद रखना युवाओं, 36 का ओलंपिक भारत में होने वाला है, भारत में। और मोदी जी ने एमएसपी पर लगभग लगभग 12 लाख करोड़ रुपया, एक कांग्रेस पार्टी 10 साल में 12 लाख करोड़ का गेहूं धान खरीदी थी। कितना क्या खरीदी थी भाई, बोलो तो? 12 लाख करोड़, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 1,20,000 करोड़ का धान खरीदने का काम। भाइयों बहनों, इस सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है, और हुडा जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं। अब जो बेटों के लिए काम करे वो झज्जर के युवाओं के लिए काम कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? झज्जर के युवाओं के साथ, केवल और केवल झज्जर के युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी, मोदी जी ने हर गरीब को घर दिया, घर में शौचालय दिया, माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया, घर में बिजली दी, नल से जल दिया, 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, और साथ में कोरोना का टीका भी लगाया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है।
मैं आज कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, झज्जर वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, 80 के हो गए, आप इस देश को नहीं जानते हो? झज्जर हरियाणा का मेरा बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता। भाइयों बहनों, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करो, उसके पास एटम बम है, भारत को डरा रहे हैं। अरे राहुल बाबा, मेरी बात सुन लो, हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता है, हम एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते हैं। मैं आज इस झज्जर की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और उसको हम लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। ये कांग्रेस पार्टी सालों तक धारा 370 को नहीं हटाई, मोदी जी ने धारा 370 को हटाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया है। और अंत में मुझे बताओ झज्जर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर को रोक कर रखी थी, नरेंद्र मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 24 जनवरी को